सारे नो पहले तो मैं सारे प्रेस मीडिया नो दसना चाहना हाँ कि जेड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी ते मेरी मीटिंग दसी गई है कि मेरे वो घर आए ने ये मैं इसनों डिनाई करना देर हैज बीन नो मीटिंग अजे। नंबर टू ये साड़ी पार्टी दे मुख्यमंत्री ने किसे टाइम वो आना चाहन ही वुड बी मोस्ट वेलकम ये उन्हां दा अपना घर है असी इको पार्टी दे विच आ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे नाल मेरी कोई परसनल विरोधता है साड़ी जड़ी साढ़े चार साल अजे तक विरोधता चली वो डिफरेंस ऑफ ओपीनियन है कुछ गवर्नमेंट की फंक्शनिंग ते है कुछ चीज़ा जिन्हों मैं ते बहुत सारे साढ़े कांग्रेसमैन स्ट्रोंगली फील कर मैं फिर दोहराना चाहना मेरा मैं ही नहीं साढ़े मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट उन्हां दी कबीना दे मिनिस्टर्स बहुत सारे साढ़े प्रेजेंट सिटिंग MLAs ते साडा जिहड़ा वास्ट कांग्रेस का काडर है पिंडों पिंड बैठा शहरों शहर कस्बे च बैठा वो ये महसूस करता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिहड़े वादे किए ने स्पेशली वो वादे जिहड़े गुरुआं नाल होए वादे उन्हां नूं असी जल्दी दे विच पूरा करें सारे नूं पहला तो तुहानूं पता जिहड़ा है वो पावन गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के केसिज ने ते सबसीक्वेंट केसिज जिहड़े फायरिंग दे होए ने उहदे विच जिहड़े लोगों ने फायरिंग करवाई है जिन्हां दे हुक्मां नाल फायरिंग जारी की गई है समुचा पंजाब चाहता सारा जगत चाहता तो कांग्रेस की सारी पार्टी चाहती है कि जल्दी तो जल्दी इन्हां दे खिलाफ चलान पुटअप किए जाण AG दा ऑफिस इहनूं वैट करे तो इन्हां ते कार्रवाई जिहड़ी है सैशन जज फरीदकोट च इमीजिएटली शुरू है साडी मंग है कि महीने के कंप्लीट किया जाए 45 दिन अगे दिते सी 15 दिन हो चुके ने महीने का एक टाइम रहता पहला है दूजा यह है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के जेडे दो लिफाफे पे जेदे विच कुछ पोलीटिशियनां दे नां ने कुछ पुलिस अफसरां दे नां ने कुछ इंटरनेशनल स्मगलरां दे नां ने कुछ हिंदुस्तान ते पंजाब दे विच रहण वाले तस्करी करन वाले लोकां दे नां ने वो लिफाफे जेडे ने एडवोकेट जनरल नूं उदेश दिते जाण हाईकोर्ट दे विच पेश होए तो लिफाफे खोले जाण ते उन्हां दी सारे नूं पहले ते समुचे पंजाब नूं पता लगे कि कौन वो बंदे ने जिन्हां ने एक पीढ़ी साडी पंजाब च तबाह कर दी। ये दो चीज़ां साडियां मुख मंगां ने अज भी ने कल भी सन ते हमेशा ही रहणगियां कि जल्दी तो जल्दी ये काम कीता। उस तों बाद जिहड़े साडे इलैक्शन प्रोमिस देखो मैं अज भी उन्हां नूं कहना चाहवांगा कि साडे जिहड़े अज बेरोज़गार आ मैं सुनिया है इहदे विच कि म्यूनसिपैलिटियां च काम करने वाले बहुत सारे साडे सफाई जिहड़े सेवक ने उन्हां नूं मंजूरी दित्ती जा रही बहुत अच्छा काम है। मैं अपील करांगा विशेष तौर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं साडे बेरोज़गार टीचर्स ने साडे बेरोज़गार वो बच्चे ने जिहड़े पिछले 8-8, 10-10 साल से कॉन्ट्रैक्ट लेबर में तुसीं वादा कीता है कि इस साल च मैं 1,00,000 जॉब कढ़ांगा मेरी पहले गुजारिश है कि जिहड़ा 15,000-20,000 नौजवान बच्चा पिछले 8-7 साल का बेरोज़गार है कॉन्ट्रैक्ट उहदे ते काम कर रहा सारे नूं पहले उहनां नूं असीं मौका देईए सो दैट उहनां नूं तजर्बा भी हो चुके तो ये सारिया चीज़ां इहदे विच ने साडे दलित वीरां दे जिहड़े स्पैशली आ जिहड़े पिछले दिनां दे विच स्कूल्स दे कॉलेजेस दे जिहड़े वजीफियां दा काम वो बकायदा तौर उन्हूं एड्रैस किया जाए साडा दलित वर्ग साडियां पछड़ियां श्रेणियां ते साडी समुची लीडरशिप इहदे वास्ते बहुत उतावली है कि ये सैक्शन जिहड़ा साडी रीढ़ दी हड्डी है कांग्रेस दी इहनां दा काम किया जाए इहनां दा जल्दी तो जल्दी ये सारे काम होने चाहिए ने ते किसानां दे नाल भी जुड़े हुए कोई इहो जी स्ट्रैटेजीज़ लईए इहो जी पॉलिसीज़ लईए कि आंदे पंजाब दे विच नवी डाइवर्सिफिकेशन जिहड़ी दूजी हरी क्रांति उन्हों असी की तौर तरीका देना इन दिनों के दे लोगों के सामने लैके आना चाहिए तो किसान वास्ते भी मैं अज मंग करूँगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं तुसी पहलकदमी करो सारे मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट पंजाब के तुहाडे नाल जांदे ने सारी मिनिस्ट्री जांदी है आओ बैठिए नरेंद्र मोदी जी दे उत्थे सामने जाके भावें दफ्तर धरना देना पे भावें उन्होंने घर के बाहर देना पे जिस अगे भी असी वाजपाई साहब के वेले एक बार गए सी आओ चलीए पंजाब दे किसान 8-8, 7-7 महीनों के बॉर्डर से बैठे अपने बच्चों नाल बैठे ने असी तगड़े हो के
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਦਾਵਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦਾਵਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 3-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੋਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲਾਏਗੀ, ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ क्या आप मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़ी या उनके बराबर की भूमिका उनको मिलनी चाहिए? क्या जो पुराने कांग्रेसी हैं और जो नया पैराशूट से आया है उसको उतनी तरजीह मिलनी चाहिए? देखो, एक मैं आपके सारे चैनल्स के लिए क्लियर बात कर देना चाहूँगा, जब सर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आ रहे थे तो बहुत सारी सीनियर लीडरशिप जो है पंजाब की वो रुकावट भी डाल रही थी, वो चाहती थी वो ना आए। उस टाइम भी साहब प्रगट सिंह जो हमारे MLA हैं, हमारे साथी हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि मैंने तब भी इंटरवीन किया और मैंने तब इनकी सिफारिश की थी कि ये एक असेट रहेंगे पार्टी के लिए, आप ज़रूर। और मैं मशहूर हूँ, पार्टी हाईकमांड ने मेरा भी मशवरा माना और साहब नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में शामिल किया। वो मेरे भाइयों की तरह अच्छे बुला रहे हैं, अच्छी एक छवि रखते हैं। मैं 100% चाहूँगा और पार्टी हाईकमांड भी चाहेगी और कांग्रेस के वर्कर भी चाहते हैं उनको एक अहम रोल ज़रूर पंजाब में। मगर इसके साथ साथ मैं एक और क्लैरिटी भी करना चाहता हूँ कि देखिए, एक बात सभी को समझ लेनी चाहिए कि टॉप पोजीशंस पर पहुंचने के लिए कुछ वक्त भी चाहिए। आप पार्टी में आए हो, कुछ टाइम दीजिए और जो भी रोल पार्टी देती आप उस पार्टी को माथे पर समझो, सर माथे पर लेकर उसको नभाएं, सारे इकट्ठे होकर चलें। ये तो आप देखिए कि मैं समझता हूँ कि पार्टी पर हम सारी बात छोड़ें, क्योंकि ये सारी बात 3-मेंबर कमेटी के साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, क्लैरिटी हो चुकी है क्या वो चाहते हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि उनको रोल ना दिया जाए, मैं कहता हूँ ज़रूर रोल दिया जाए, मगर जो लॉन्ग टर्म जो लॉयलिस्ट हैं पार्टी के, जिनको 40-45 साल हुए हैं और विशेष तौर वो लोग जो टकसाली कांग्रेस, देखो 3 इंग्रेडिएंट्स मैं बहुत दफ़ा अपनी इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हों या आर्म्ड फोर्सेस हों, कोई सियासी दल हो, 3 इंग्रेडिएंट ज़रूरी है। नंबर 1 होता है लॉयल्टी, नंबर 2 होती है सीनियोरिटी, नंबर 3 है कैपेबिलिटी। ये तीनों चीज़ जिसमें हैं उनको मौका दीजिए और इकट्ठे होकर सभी को चलना होगा। कोई कर्नल ओवरनाइट जनरल नहीं बन सकता, आप इतनी बात समझे। बहुत काबिल कोई कर्नल भी होगा, उसको जनरल बनने के लिए कुछ वक्त का इंतज़ार करना होगा। तो इसलिए मैं ये बात कहूँगा सभी को, ये बात हमने पार्टी हाईकमांड पर छोड़ी है, जो उनका फैसला होगा हम आगे भी मानते हैं, अब भी मानेंगे। और मैंने अपनी क्लैरिटी दे दी है बिल्कुल, इस बात साफ तौर पर मैंने ऊपर भी कह दी, मैं किसी पोस्ट के लिए कैंडिडेट नहीं हूँ। जिसको भी आप बनाओगे, जो भी पोजीशन दोगे, हाँ ये मैं ज़रूर, मैंने ऊपर भी बात कही है कि सारे सेक्शंस, इधर हमारे दलित भाई हैं, हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, हमारे हिंदू भी भाई हैं, हमारा सिख भाईचारा है उनमें बैकवर्ड क्लासेस हैं, हमारी शेड्यूल कास्ट हैं, वो सभी को एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पंजाब में देनी बहुत ज़रूरी। तो इसका ध्यान आप कीजिए, आप फाइनल जो भी इन्होंने चेंजेस करनी पार्टी हाईकमांड लेकर आएगी, वो फेरबदल पार्टी में होगा या कैबिनेट में होगा, ये फैसला तो उन्होंने करना। मगर मेरा ये कहना है कि आप सभी को रोल दीजिए, मगर उसमें सीनियोरिटी, कैपेबिलिटी और लॉयल्टी, ये 3 चीज़ें मद्देनज़र ज़रूर रखनी चाहिए।
राजू साहब अभी लाली मजीठिया को चेयरमैन बनाया गया है, एक सेकंड, लाली मजीठिया को चेयरमैन बनाया गया, वहाँ पर सांसद भी आए, सारे मंत्री मौजूद हैं अभी, और उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की है कि अगर बाजवा साहब की कैप्टन साहब से मुलाकात हुई है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता और पार्टी में अब नहीं जाना है ही। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो ये सारे ही कांग्रेस के वेलविशर्स जो हैं उसमें पार्टी काडर से लेकर ऊपर तक ये चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट जितने लोग हैं इनके सिर जोड़े, हम सिर जोड़ने के लिए तैयार। मगर एक बात मैं फिर क्लियर कर दूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो कृपा करके आप ठीक कीजिए, कुछ गवर्नमेंट में भी मैं कैप्टन साहब को कहना चाहता हूँ, और कुछ ऑफिसर ऐसे हैं उनको मैं खुद डायरेक्टली भी हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ, 4.5 साल आपने लगा लिए भाई, अगर आपसे काम ठीक नहीं हो रहा कृपा कीजिए इसमें कांग्रेस की और गवर्नमेंट की जो पोजीशन है उसको ख़राब मत कीजिए, खुद ही छुट्टी ले लीजिए। कुछ ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों के ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो आज टाइम है आप छोड़ दीजिए, 4.5 साल आपने राज कर लिया, 6 महीने रह गए हैं, गवर्नमेंट की जो एक लोगों में छवि है उसको ठीक करने के लिए ज़रूरत है। ऐसी पुलिस में है, ऐसे ही एडवोकेट जनरल का ऑफिस है, उनकी बीवी ने कल इस्तीफा दे दिया, ये अच्छा ना होता अगर वो खुद ही दे देते, ये इससे भी और खुशी की बात होती लोगों के लिए, क्योंकि इन दिनों में अगले 6 महीने में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो कचहरी में, जैसे अब ये कोट कपूरा बैबल कलां की ये जो केस है इसकी वेटिंग एजी ऑफिस ने करनी, तो इट वुड हैव बीन मच प्रॉपर कि अगर उनकी बीवी की जगह वो चले जाते तो आज लोग ये समझते कि ये अच्छे, अगर वो वेलविशियस हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के, या अगर वो वेलविशियस हैं मौजूदा सरकार के, उनको खुद ही ऐसे जो इरिटेंट्स हैं मिनिस्टर्स के, देखिए कुछ हमारे साथी मिनिस्टर्स हैं वो कुछ आदमियों के साथ, उनको कुछ अगर कोई तकलीफ है तो उस आदमी को खुद ही समझने की आज ज़रूरत है कि भाई अगर कोई इरिटेंट्स हैं गवर्नमेंट को और पार्टी को अच्छे ढंग से चलने दिया जाए, छवि इसके सुधारण में खुद भी वो रोल करें, तो भाई इतनी बात करें। वेलविशर चाहते ने कि हुण मैदान हुण जंग का टाइम आ गया कि सारिया फोर्स सारे जरनैल कट्ठे की गए, समझ लो ना कि सारा एक पासे कांग्रेस दी फोर्स दूजे पासे दूसरे कट्ठे हो रहे ने, बट असी कहने असी पार्टी की लाइन हमेशा तो टो कर, बट जेडे मुद्दे कुछ ने जेडे इरीटेंट्स ने अज पंजाब दे लोकां दी नज़रां दे विच इरीटेंट्स ने, मैं समझना कि अज पंजाब दे विच बहुत बड़ी सोशल अनरेस्ट शुरू हो, इस सोशल अनरेस्ट नू अरेस्ट करना उन्हूं रोकण दी बहुत जरूरत है, वो रुकेगी किस तरह जे आ इरीटेंट दूर होण। हुण गुरु ग्रंथ साहब का मसला जेड़ा इको सिख स्टेट है दुनिया के, जे पावन गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले असी लोगों कचहरी तक नहीं पहुँचा सकते, अगे तो कचहरी का फैसला कि किसी की सजावं देनिया घट देनिया वध देनिया की करना, तो ये अपनिया नैतिक जिम्मेवारियां जड़िया ने ये इरीटेंट्स हट जाएंगे, गवर्नेंस ठीक हो जाएगी बहुत हद तक, ये जड़ा अड़िका अवसर पा रहे ने काम टाइम सर नहीं होने दे रहे, जे पासे हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक सारी गल सुन। ये बात रणदीप सिंह बिट्टू ने अभी थोड़ी देर पहले कही है सर हमारे कैमरे में, और कई विधायकों ने कही, मंत्रियों ने कही, भारत भूषण आशु है, राणा भूमेश सोनी है, आपकी क्या राय है, कैप्टन साहब भी चेहरा है पंजाब में 2022 के लिए या किसी और को भी मौका मिल सकता है? देखो एक मैं बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, ये फैसला पार्टी हाईकमांड ने, मैंने पहले भी कहा 22 में कौन चेहरा होगा ये पार्टी हाईकमांड ने ही ये अब डिक्लेयर कर, फैसला उन्होंने लेना, अगर हम ही आज बैठे हुए बताते रहेंगे सारा कुछ तो फिर उनके पास तो कुछ भी नहीं रहा। सिद्धू भी हो सकते हैं सर चेहरा, मैं कुछ मैं मेरे मुंह में नाम बट डालो, आप मेरी गुजारिश से आप समझे, इतना कुछ मैंने कथा कर ली है, अगर आपको कथा की समझ ही नहीं आई तो उसका फायदा कुछ, तो मेरी गुजारिश इतनी है कि आप पार्टी हाईकमांड पर छोड़िए, 3 मेंबर कमेटी को हमने सारा निचोड़ निकाल दिया है, और उस निचोड़ का जो फैसला पार्टी हाईकमांड करेगी भाई हम उसको पाने के लिए। बाजवा साहब 3 मेंबरी कमेटी दी, बाजवा साहब ਤੁਸੀਂ 3 मेंबरी कमेटी ਤੇ ਕੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? 110% ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਉਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਆ,
ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਵਾਅਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਵੀ ਚਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਣ ਯੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕੋ ਫੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ? ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫਰੇਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਫਰੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਵੇਖੋ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਟ ਆਈ ਬਟ ਦਰੁਸਤ ਆਈ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਸੀ ਆਫ ਅ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ 10 ਈਅਰਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਵਾਕ ਇਨ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ MLA ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕਾਡਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਉ ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਆ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਉਹ 5-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀਮਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਟ ਦ ਹੈਲਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਟ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਦਰਜਨ ਨੂੰ ਵੱਧ 2200 ਆਦਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਇਗਨੋਰ ਦੋਸ ਫੈਮਲੀਜ਼? ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਹੈ, ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋਇਲਟੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਤੇ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਮਨੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਲੋੜ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਜੈਤੋ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੋ, ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼। ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਆ ਛਿੰਝਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਗੁਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਗੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟ। ਅਭੀ ਕਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਯੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਭੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਯੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਹੀਂ ਸੇ ਕਿ ਅਭੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਬ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ ਤਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਥੋੜਾ ਸਾ ਨਾ ਇਸਕੋ ਇਸ ਯੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਮੇ ਯੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸੀ ਮਾਹੌਲ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਦੀਜੀਏ।
पार्टी हमेशा ही चाहती है सारे इकट्ठे हों, मगर एक कांग्रेस में बेहतरीन बात यह है इंटरनल डेमोक्रेसी की इजाजत है। ये भाजपा की तरह नहीं कि इंटरनल डेमोक्रेसी लॉ ना करे। अगर कहीं गवर्नमेंट को राहें जा रही है, रास्ते पर नहीं जा रही, अगर वो उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स ये बात कहते हैं कि इस कुराहे जा रही गवर्नमेंट को आप रास्ते पर लेकर आए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर कैप्टन साहब आपको बुलाते हैं या आपके पास आते हैं, इज ही वेलकम, और क्या रिएक्शन? मैंने तो आपको पहले कर दिया, कैप्टन साहब इधर आना चाहेंगे, मैं आगे उनका, देखो एक फैमिली, एक फैमिली मीन्स वी आर ऑल पार्ट ऑफ द कांग्रेस, आई हैव वर्क अंडर हिम। हमारी कोई जो तुम्हें देखो अभी तक 4.5 साल में आप सारे मेरे भाई हो, कोई भी मैंने बात ऐसी नहीं की जो जाति टैग, हमने हमेशा मुद्दों पर बात की, जहां मुद्दे, जहां गवर्नमेंट कुराहे है या गवर्नमेंट ने गलत काम किया, मैं आज भी सामने खड़ा हूं, कल भी सामने खड़ा हूं, मेरी ये आज भी ये पेशकश है, कल कैप्टन साहब फिर आना चाहेंगे, इट इज हिज ओन हाउस, हाउ कैन आई एवर से नो टू हिम, इधर कोई भी कांग्रेस में आना चाहे। लेकिन बादल साहब, ये जो 3 मेंबरी जी कमेटी सी, इसके सामने जो तुम पेश हो लगे, उस तो पहला जी वाह मरोड़ों का सिलसिला शुरू होया सी, और बाद दे विच भी आ गल्लां निकल के सामने आई है कि कमेटी के सामने भी डोजियर दिते गए ने विधायकों के खिलाफ, कि विधायक जिहड़े ने जिहड़े गलत काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस तरह की गल्लां होंदियां ने, तुहानूं लगता है कि टेबल ते बैठा जा सकता है? देखो एक गल मेरी सुन लो, डोजियर कोई नवी चीज़ नहीं है, ये बहुत पुराना शस्त्र है जिहड़ा वरतिया जांदा रहा, सारियां जमातां वरतदियां, कोई यहोजी गल नहीं, जिन्हें तो कोई गलती जिदे कोई कमी पेशी उन्होंने तो डोजियर तो कोई डर खौफ होंगे। पहली गल तो यदि बकायदा तौर कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद वालों यदा स्पष्टीकरण आ गया कि मैं कोई डोजियर उत्ते 3 मैंबरी कमेटी दिता, तो जे इस चीज़ में जे तुम साबित हो जाता किसी गल का, तो मैं समझना फिर ये डोजियर देना कोई चंकी रीत है डेमोक्रेसी के रीत चंकी नहीं, बट ये कोई नवी चीज़ नहीं, ये शुरू तो पहले दिन तो जिदन सरकार बनी सी उदों तो सारे देशों में इस किस्म के काम चलते ही ने, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, ए बिजनेस के काम ने, कारोबार के चलता है, पार्टियों में यहोजा काम चलता है, थोड़ा जहा नपन नपाण की कोशिश तो हमेशा चलती आई है, जेडे इमानदारी नाल अपनी छाती ठोक के अपने आप च फेत रखते हैं गल कहते रहेंगे, सो ये मैं इन को बहुत ज्यादा वजूद इस गल गवर्नमेंट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी करेक्टेड, जिहड़ी मैं गल पक्का तौर कही है, जेडे इरीटेंट्स ने तुहानू मैं साफ दस दिता, पुलिस में इरीटेंट्स, ये CMO में जो इरीटेंट्स ने, जी एडवोकेट जनरल की वर्किंग इरीटेंट्स ने, जिहड़ियां असीं कीते वादे अजे तक नहीं निभा पाए वो इरीटेंट्स ने, जिहड़े असीं अपने वर्कर्स नूं ते साथियों नूं इज्जत मान सन्मान नहीं पहुँच पाया वो इरीटेंट्स ने। अज भी मैं अपील तुहाडे TV चैनल के जरिए करांगा कैप्टन साहब नूं, जिन्हें IAS रिटायर्ड लाए ने, कृपा करो जे इमीजिएटली तुसीं उन्हां नूं ला के ते कांग्रेस के वर्कर साथी बनाओ, तो एक खुशी की लहर वखरा जाएगी। फैसला अगली इलेक्शन का तो पंजाब के लोगों ने कर, घटते घट जे तुसीं फुट सोल्जर वेखो, लड़ाई होनी फुट सोल्जर नाल, लड़ाई जरनैलों के सिर पर नहीं होनी, जिहड़ा तुहाडे बूथां ते बैठा तो बूथां तक वोटर लैके आंदा उहनूं जिस तरह लाली मजीठिया बनाया, सारे ने कटिंग अक्रॉस सारे सैक्शनज या फैक्शनज जिहड़े पार्टी के है सारे ने वेलकम। असीं ये चाहते हैं जिन्हें रिटायर्ड ब्यूरोक्रैट ने 25, 34, 36 साल इन्हें बड़िया मौजा मारी, ये किसी के नहीं, ये ना तुहाडे ने ना इहदे ने, ये ते उहदे ने जिहदी सरकार, कृपा करके इन्हां ने बड़ा माण मानिया, इन्हां नूं बाहर करो, जिहड़े जिन्हां लोकां ने इज्जत मान सन्मान ते तुहानूं चीफ मिनिस्टर की पोजिशन तक पहुँचाया उन्हां तों, मैं अज भी ये गल कहांगा मेरी, सो जिन्ना चिर इरीटेंट्स रहणगे उन्ना चिर असीं अपनी गवर्नमेंट नूं शीशा विखांदे रहांगे। प्रताप सिंह बाजवा किसी इस गल ते कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मैं तुहानूं दस दिंदा मैं किसी पोजिशन का गाह की है नहीं, उत्ते भी कह दिता, तुहाडे सामने भी कह दिता, यह भी गल कह दी, बाकी जितों मिल मिलान की गल कोई भी मेरे घर आना चाहे, सर नवजोत सिंह सिद्धू आना चाहिए, ही इज़ मोस्ट वेलकम, ही इज़ अ यंग ब्रदर टू मी, सर प्रगट सिंह आन, सारे मेरे वीर भरा आते हैं, कैप्टन साहब जिदन देखो जिदन आएंगे मैं तुहानूं इतलाह देवांगा, तो दसांगा कि आए नहीं, आओ बैठो, आओ सारे, वो फोटो खिंचियां जाएंगी।
आते एवं थोड़िया जिहड़ियां प्लांटेड ने खपियां से जी, ये कोई फायदा कोई नहीं है। हाँ जिदन कितने आएंगे अतला आएगी मैं तुम्हें पहले दस के रखागा, वो मेरे वीरो मेरा डिनर उन्होंने नहीं खुवाऊंगे तुम्हें भी ना। पिछली चोण के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरी आखिरी चोण है, जिम्मे हम तुम दस कि हाईकमान फैसला करेगी, बदलाव किस तरीके से हो सकते हैं, तुम कि चेहरा देखते हैं क्योंकि अगली जी है, हालांकि विरोधी धिर दलित फेस जो है अगर ले लिया है। देखो मैं कुछ ये टिप्पणी नहीं करना चाहवाँगा, जो असी सारी चीज़ ही पार्टी एक बार से छड़ दी है, मेरा ख्याल आज का दिन आप इतों तक ही रखिए तो बैटर होगा। बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ जी देखो मेरी एक गल सुन लो, मैं किसी भी अपने फैमिली मैंबर का भावें ब्रदर का बेटा या कोई भी है, मैं इन्हों की किसी की सपोर्ट पर है। ये निजी फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह का तो एम एल ए जोड़े है ने उन्होंने बेटे का होएगा, प्रताप सिंह बाजवा उस ना कभी उन्हें सिफारिश की ना मैं करूँगा। तो सो ये कैप्टन साहब जानन तो साहब फतेह सिंह जानन या जोड़े पांडे साहब ने उन्होंने नौजवान का या कोई उन्होंने वड़िंग जोड़े वो दूजे ने कांगड़ साहब उन्होंने किसी का है, ये इन्हों की आपसी गल है। तो ये जी आपसी गल है तो उन्होंने वो जानन की वह मेरी रिस्पोंसिबिलिटी कोई नहीं। जिदन मेरे बेटे को कोई चीज़ मिलेगी सीधे तौर उधर तुम मैनू रिस्पोंसिबल कर सकते हो। फैमिलीज़ के भी तुम्हें पता दो दो परिवार है, जी इंडिपेंडेंट परिवार ने, कोई भी इस टाइम सियासी परिवार यहोजा नहीं जिद जिदी तुम सहु एक दूजे की खा सकते। तो इस गल कर लो जिस तरह डिनर दी मेरे घर दी प्लांटेड खबर है, 20 वाली भी अजे तक ते मेनू प्लांटेड ही नजर नहीं। 22 तारीख का कंफर्म हो गया अभी नहीं, अभी किसी को वहां पे कई मंत्रियों ने बोला कि 22 तारीख को समय देते नहीं, पहले 20 का फिर 22 का, मेरा ख्याल नहीं अभी कुछ ना। हां अगर किसी को आया मुझे मैसेज तो नहीं, पर ये समझते हो जे कि ये गुटबाजी जे नहीं खत्म होंगी विरोधी तरह फायदा चुक सकते। तुसी फिकर केडी गल्लों करदे, सारा कुछ मुकेगा। कांग्रेस एक डिसिप्लिन जमात, ये कोई फैमिली रन कोई ट्रस्ट है नहीं, या कोई यहोजा कोई फैमिली कारपोरेशन है नहीं कि वो मुताबिक चलना पे, एक ऑर्गेनाइज जमात है। ये ऑर्गेनाइज जमात हमेशा डिसिप्लिन रहा है। पिछली बार भी जो मेरे को प्रधानगी ली गई, इस तो वड्डी गल तो नहीं हो सकती, मैं उस स्टेज उत्ते अपना कांग्रेस का झंडा हैंडिंग ओवर जिहड़ा फ्लैग सी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दित्ता सी, ते मैं उत्ते बोलदे कहा सी कि इहोजी 100 प्रधानगी प्रताप सिंह बाजवा अपनी पार्टी वास्ते ते पंजाब दे लोकां वास्ते वार के सुन सकदे। तो इस गल कर साडे विच जज्बा कुर्बानी दा भी ओलंपिक्स की तैयारी करी दी जिहड़ा अखीरला कैंप हुंदा ना अखीरले 6 महीनियां वाला, उही तुहाडे जिस्म नूं तैयार करके ते फाइनल रिजल्ट वास्ते, आ 6 महीने ही क्रूशियल।